गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैकेनिकल इंजीनियरिंग ने अंदर सब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में हम लोग डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम टाइप्स ऑफ फर्नेसेस के अंदर, जिसमें हमने क्रूसिबल फर्नेसेस के अंदर दो तरह की जो फर्नेस होती है अकॉर्डिंग टू दी फ्यूल यूज, उसमें हमने कॉक फायर फर्नेस डिटेल में डिस्कस कर लिया है। एक और तरीका बचा है, एक और टाइप्स बचा है क्रूसिबल फर्नेस का, जिसका नाम है ऑयल एंड गैस फायर फर्नेस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे और उसी टॉपिक को कंटिन्यूस करेंगे। क्या नाम है फर्नेस का? ऑयल एंड गैस फायर फर्नेस। देखिए ये भी क्या है हमारा ऑयल एंड गैस फायर फर्नेस है, वो भी क्रूसिबल फर्नेस ही है। जैसे ऊपर हमने देखा था पीट फर्नेस, ठीक है, उसको बोलते हैं कॉक फायर फर्नेस, तो वो भी क्रूसिबल फर्नेस था, ये भी क्रूसिबल फर्नेस है। वहाँ पे भी बकेट था जिसको हम लोग क्रूसिबल बोलते हैं, यहाँ पे भी बकेट होगा जिसको हम लोग क्रूसिबल बोलेंगे। डिफरेंस क्या है? तो उसके अंदर हम जो फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, फ्यूल मतलब जिससे फर्नेस ऑपरेट होगी, जिससे फर्नेस को इंटरनल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी मिलेंगी, तो उसको ही क्या करना है, सिर्फ चेंज करना है, जो यूटिलिटी बोलते हैं उसको। देखिए क्या है बेसिक डिफरेंस ऑयल एंड गैस फायर फर्नेस। एज द नेम इंडिकेट दिस फर्नेस यूटिलाइजेज ऑयल और गैस एज अ फ्यूल। जैसे आपको टाइटल में नाम दिया गया है ऑयल एंड गैस फायर फर्नेस, जिसके अंदर हम लोग एज अ फ्यूल क्या यूज़ करेंगे, ऑयल और गैस यूज़ करेंगे। इन फैक्ट अ मिक्सर ऑफ ऑयल एंड एयर और गैस एंड एयर इज़ फीड इनटू द फर्नेस। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑयल और गैस ही यूज़ करेंगे, ऑयल और गैस को भी जलने के लिए, उसका कंबसन होने के लिए एयर का रिक्वायरमेंट होता है। हर एक फ्यूल को एयर की रिक्वायरमेंट होती है जलने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे इस फर्नेस के अंदर एयर एंड ऑयल है उसका मिक्सर एंटर करवाएंगे, या फिर गैस और एयर है उसको क्या करेंगे फर्नेस के अंदर फीड करवाएंगे। विच बर्न इनसाइड द फर्नेस एंड प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड टेम्परेचर। जो फर्नेस के अंदर जलेगा उसका कंबसन होगा और क्या क्रिएट होगा, तो कि टेम्परेचर, जो भी हमारा रिक्वायर्ड टेम्परेचर है वो प्रोड्यूस होगा। वाइल बर्निंग द मिक्सचर एंटर्स टेंजेंशियली एंड एन सर्कल द क्रूसिबल। जैसे ही बर्निंग होगा जो भी एंटायर मिक्सर है वो टेंजेंशियली और सर्कल एन सर्कल्स यानी क्रूसिबल के आसपास क्या हो जाएगा, जलने लगेगा और क्या क्रिएट करेगा, उसके जो हॉट गैसेस है ना वो क्रूसिबल की सरफेस को क्या करेंगे, हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे, यानी जो टेम्परेचर है वो क्रिएट करवाएंगे, थर्मल एनर्जी ट्रांसफ़र होगी फ्रॉम हॉट गैसेस टू क्रूसिबल, क्लियर। और उससे क्या होगा, क्योंकि तो क्रूसिबल में रखा हुआ मेटल का टुकड़े, मेटल्स गर्म होकर मेल्ट होंगे। द फर्नेस कंसिस्ट ऑफ अ सिलिंड्रिकल स्टील सेल, बाहर एक पूरा स्टील का कवच होगा, हैविंग रिफ्रैक्टरी लाइनिंग इनसाइड एंड प्रॉपर पासेजेस फ्रॉम एंट्री द फ्यूल मिक्सर। स्टील का कवर होगा, उसके साथ साथ प्रॉपर रिफ्रैक्टरी मटेरियल का लाइनिंग होगा, जिससे फर्नेस के अंदर हीट लॉसेस है वो क्रिएट ना हो सके, हमने जो एनर्जी डेवलप की है उसका लॉसेस ना हो सके। साथ में सूटेबल पैसेजेस रखे हैं जिसके थ्रू हम लोग फ्यूल और एयर को एंटर करवा सकते हैं। द क्रूसिबल इज प्लेस्ड ऑन अ पैड फॉर्मेड ऑन द बॉटम। क्रूसिबल को रखने के लिए एक सपोर्टिंग सिस्टम है जिसको बोला जाता है पैड, जिसके ऊपर क्रूसिबल हमारा रेस्ट करेगा, क्लियर। देखिए आपको मैं पूरा कंस्ट्रक्शन समझा देता हूँ। ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है जहाँ पे हमने ज़मीन पे पूरा फर्नेस का सेटअप किया है। ये बाहर जो है वो पूरा स्टील का कंटेनर है, उसके अंदर हमने यहाँ पे, ये आप जो देख सकते हैं खाली जगह, ये हमारा रिफैक्टरी मटेरियल का लाइनिंग, ये क्यों रखा है, ताकि हीट लॉसेस ना हो, क्लियर। फिर ऊपर रखा है हमने कवर,
कवर को खोल के हम लोग अंडर क्रूसिबल को रख सकते हैं और फिर वापस कवर बंद कर देना है, ठीक है। कवर के अंदर छेद रखा है छोटा सा, जिससे जो भी गैसेस है, बर्न्ड गैसेस है, बर्न गैसेस यानी धुआं स्मोक, वहाँ से एस्केप हो सकता है। नीचे पेड़ रखा है, पेड़ के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, तो ये जो हमारा क्रूसिबल है जिसके अंदर हमने मेटल के टुकड़े वेस्ट डाला है, उसको वहाँ पे हम लोग रखेंगे कम्प्लीटली, उसको वहाँ पे स्टेशनरी अरेंज कर सकते हैं। फिर ये जो साइड से आप देख रहे हैं, वहाँ से हम लोग गैस और एयर का जो मिक्सर है उसको फर्नेस के अंदर एंटर करवाएंगे कॉन्स्टेंटली। आपको गैस और एयर का सप्लाई कॉन्स्टेंटली चालू रखना है, क्लियर। पूरी फर्नेस के अंदर गैसेस जलेंगे, गैसेस क्या करेंगे, जलने के बाद टर्बुलेंसी क्रिएट करके क्रूसिबल को टच करके ऊपर से बाहर निकल जाएंगे। जब वो क्रूसिबल की सरफेस को टच करेंगे, उसके कॉन्टेक्ट में आएंगे, तो क्या करेंगे, हीट ट्रांसफ़र करेंगे। अपने अंदर जितना भी टेम्परेचर है, अपने अंदर जितनी भी हीट एनर्जी है, वो क्रूसिबल की सरफेस को सप्लाई करेंगे। स्लोली स्लोली क्रूसिबल क्या होगा, गर्म होगा, और उसके अंदर जो भी मेटल है वो भी गर्म होकर पिघलेगी। फिर जैसे ही आपने टेम्परेचर सेट किया होगा, उस टेम्परेचर पे क्रूसिबल गर्म हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, ये जो कवर है, ठीक है, उसको ओपन करके यहाँ से क्रूसिबल को बाहर निकाल लेना है, और जहाँ पे भी आपको कास्टिंग प्रोसेस के लिए मेटल पोरिंग करवाना है वहाँ पे जाके मेटल पोरिंग करवा दो। फिर वापस बकेट को यानी क्रूसिबल को फर्नेस के अंदर रख लो, वापस उसको चार्ज कर लो नए मटेरियल से, और प्रोसेस आप ऐसे कंटिन्यूसली कर सकते हैं, क्लियर। इस तरीके से काम करेगा हमारा फर्नेस, जिसका नाम है गैस फायर क्रूसिबल फर्नेस। टू प्रिवेंट हीट लॉसेस अ कवर इज प्रोवाइडेड एट द टॉप। ऊपर हमने टॉप में कवर क्यों रखा है, छेद बना के, ताकि गैस इजीली बाहर निकल जाए और जो हीट लॉसेस है वो बहुत ही कम हो, क्योंकि अगर हीट लॉस हो जाएगा तो हमको ज़्यादा फ्यूल यूज़ करना पड़ेगा टेम्परेचर क्रिएट करने के लिए। तो हीट लॉसेस से बचने के लिए, हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी का लॉसेस बचाने के लिए हमने क्या किया है, तो कि साइड पे हमने रीफैक्टरी मटेरियल का लाइनिंग कर दिया है और टॉप में हमने कवर लगा दिया है। दिस फर्नेस मे बी ऑफ टिल्टिंग टाइप और स्टेशनरी टाइप। ये जो फर्नेस होते हैं ना, वो टिल्टिंग टाइप होते हैं, मतलब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसा स्टैंड पे लगा देंगे, जिससे क्या हो सकता है, ये टिल्ट हो सकता है उधर ही फर्नेस के आजू बाजू ही, या फिर आप क्या कर सकते हैं, तो क्या ओवरहेड क्रेन आता है ना, उसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, उसको बाहर उठा सकते हैं, पूरा फर्नेस से बाहर ले जा सकते हैं, फिर टिल्टिंग करवा के पूरा मेटल निकाल सकते हैं। तो दो तरीके से आता है, एक स्टेशनरी यानी फर्नेस के अंदर ही रहेगा, आप दूसरे छोटे क्रूसिबल से वहाँ से मेटल निकाल सकते हैं, क्लियर। या फिर आप क्या करेंगे, फर्नेस के अंदर ही उसको टिल्टिंग करवा के थोड़ा इंक्लाइन करके उसमें से भी मोल्टन मेटल बाहर निकाल सकते हैं, क्लियर है। तो ये हो गया हमारा गैस फायर या फिर ऑयल फायर क्रूसिबल फर्नेस। अब ऑयल फायर में क्या होगा, तो आपको यहाँ से जो हमने गैस और एयर एंटर करवाया था ना, यहाँ से वहाँ से आप लोग क्या करेंगे, ऑयल प्लस क्या करवाएंगे, एयर एंटर करवाएंगे। नीचे बर्नर लगे होंगे, बर्नर के अंदर अगर गैस जल रहा है तो आप बर्नर चेंज करके वहाँ पे एयर और ऑयल का जो मिक्सर है उसको भी आप गर्म करके, या फिर उसको भी आप कंबसन करके, उसको भी जला के एनर्जी, थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्लियर। तो ये हो गया हमारा क्रूसिबल फर्नेसिस के अंदर दो प्रकार के फर्नेसिस। पहला हमने देख लिया कॉक फायर, और आज हमने दूसरा देख लिया गैस या फिर ऑयल फायर क्रूसिबल फर्नेसिस। आगे बढ़ते, अभी आपको ये फिगर ड्रॉ करना है और डिस्क्रिप्शन है उसको भी नोट डाउन करना है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कुपोला फर्नेस, क्लियर। इसके चांसेस देखिए, पहला जो हमने देखा क्रूसिबल फर्नेस और ये जो कुपोला फर्नेस है, दोनों में से एक फर्नेस कंपलसरी एग्जाम में आएगी, या तो कुपोला आएगी या तो क्रूसिबल आएगी, क्लियर। तो अभी हम लोग नेक्स्ट मूव कर रहे हैं क्रूसिबल फर्नेस को ख़त्म करके कुपोला जो फर्नेस है उसके ऊपर। उसमें पहला है कुपोला इज़ अ मोस्ट वाइडली यूज्ड टाइप ऑफ फाउंड्री फर्नेस।
सारी फाउंड्री फर्नेसेस के अंदर कुपला जो फर्नेस है वो सबसे ज़्यादा यूज होने वाली फर्नेसेस है। कुपला इज यूज फॉर मेल्टिंग स्क्रैप मेटल और पिग आयन यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ आयन कास्टिंग। बेसिकली जो कुपला फर्नेस है ना वो आयन के निष्कर्षण में, यानी जो पिग आयन में से हम लोग प्योर आयन जनरेट करते हैं, अलग करते हैं, वहाँ पे यूज़ होती है। उसके साथ साथ जो लोखन का यानी आयन का जो स्क्रैप होगा भंगार, उसको पिघलने के लिए, और आयन में से जो हम लोग लोखन का जो हम लोग कास्टिंग करेंगे एफी, आयन यानी लोखन एफी, तो उसके अगर कंपोनेंट का जो कास्टिंग करना होगा हमको, या फिर उसके स्क्रैप को, लोखन के भंगार को, स्क्रैप को अगर पिघलना होगा तो इसके लिए हम लोग कुपला फर्नेस यूज़ करेंगे। इट इज़ एन इकोनॉमिकल फर्नेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्रे कास्ट आयन एंड नोड्यूलर कास्ट आयन। बहुत इकोनॉमिकल प्रोवाइड होगा या फिर साबित होगा अगर हम लोग ग्रे कास्ट आयन या फिर नोड्यूलर कास्ट आयन से कास्टिंग प्रोसेस करके कोई कंपोनेंट बनाना चाहते हैं। कौन सा मटेरियल बोला है? ग्रे कास्ट आयन और नोड्यूलर कास्ट आयन, ये दोनों धातुओं को पिघल के अगर हम लोग कास्टिंग करना चाहते हैं तो उसके अंदर हमको जो कुपला फर्नेस है वो बहुत ही सूटेबल है, यानी इकोनॉमिकल है, कम खर्चा होगा हमारा, स्पेशली नोड्यूलर कास्ट आयन एंड ग्रे कास्ट आयन के लिए। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेल्टिंग सम कॉपर बेस्ड एलॉय। कॉपर है वो सॉफ्ट मेटल है, जल्दी से पिघल जाएगा, और उसके साथ साथ अगर कॉपर के एलॉय हो गए तो उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कुपला फर्नेस से मेल्ट करके उसका भी हम लोग कास्टिंग कर सकते हैं। कुपला इज ऑप्टेन इन वेरियस साइज एंड इट कैन बी ऑपरेटेड फॉर लॉन्ग टाइम। ये जो कुपला फर्नेस है वो अलग अलग साइज में आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली मिलती है, या फिर कंपनी वाले जो फर्नेस बनाते हैं वो हमको ऐसे अलग अलग साइज़ की अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली उसको डिज़ाइन करके देते हैं, और इट कैन बी ऑपरेटेड फॉर लॉन्ग टाइम। अगर आपने एक बार इसको चालू कर दिया है, ढेर सारा फ्यूल जला के आपने उसका टेम्परेचर सेट कर दिया है, तो अभी ये जो टेम्परेचर है उसको आपको मेंटेन करके आप उसको लंबे समय तक चालू रख सकते हैं। मतलब आप समझ रहे हो, पूरा फर्नेस कंटिन्यूसली तीन तीन महीने, चार चार महीने, छः छः महीने, आठ आठ महीने चलता ही रहेगा। अगर आपने एक बार फर्नेस चालू कर दिया, टेम्परेचर मेंटेन कर दिया, फिर आपको कॉन्स्टेंटली फ्यूल सप्लाई चालू रखना है और कॉन्स्टेंटली प्रोसेस करते रहना है और फर्नेस को ऑपरेट करते रहना है, तो यह फर्नेस तीन तीन चार चार छः छः आठ आठ महीना कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूसली चलती रहती है। फ्यूल यूज इन अ कुपला फर्नेस इज जनरली अ गुड लो सल्फर कॉक, एंथ्रेसाइट कॉल और कार्बन ब्रेकविट्स। अलग अलग तरीके के जो कोयले आते हैं जिसके अंदर सल्फर का कंटेंट कम होगा, ऐसे जितने भी कॉल यानी कोयले कोलसा आवे छे उसको हम लोग कुपला फर्नेस के अंदर जनरली यूज़ कर सकते हैं। अब हमने ऐसा क्यों बोला कि लो सल्फर कंटेंट, तो कि भाई जो सल्फर होता है वो बहुत ही पॉल्यूशन क्रिएट करता है। तो अभी रिसेंटली आपने देखा होगा 10-12 सालों 15 सालों के अंदर पॉल्यूशन वाले, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, एनवायरमेंट कंट्रोल बोर्ड वाले बहुत ही स्ट्रिक हो चुके हैं। लिया तो उन लोगों ने बहुत ही सख्ती से काम शुरू कर दिया है, तो उन लोगों ने अलग अलग नियम बना के दिए है जिसको हमको फॉलो करना है। तो उन्होंने ये नियम दिया है कि ऐसा कोयला यूज़ करना है जिसके अंदर सल्फर का कंटेंट कम हो। क्लियर? जैसे कॉक, एंथ्रेसाइट कॉल और कार्बन ब्रेकविट्स। तो ये जो कोयला है, ये जो फ्यूल है, उसको हम लोग कुपला फर्नेस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? तो बहुत ही अच्छी और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली फर्नेस है हमारी कुपला फर्नेस, स्पेशली आयन जो होगा एफी, उसके अंदर जो अलग अलग कैटेगरी के अंदर मटेरियल मिलता है, ग्रे आयन, फिर नोड्यूलर कास्ट आयन, ठीक है, फिर माइल्ड स्टील, ठीक है, अल्फा आयन, बीटा आयन, गामा आयन, डेल्टा आयन, फिर जो कॉपर है उसके एलॉय है, तो ऐसे ढेर सारी मेटल है जिसको हम लोग कुपला फर्नेस के थ्रू पिघल के उसका मेल्डिंग करवा के
कास्टिंग प्रोसेस कर सकते हैं। तो इसलिए ज़्यादातर फाउंड्रियों के अंदर, कास्टिंग प्रोसेस के अंदर हमको कुप्पला फर्नेस ही देखने को मिलेगी। तो जो कंस्ट्रक्शन है उसके बाकी के जो फीचर्स है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मैं आपको बढ़िया से समझाऊंगा किस तरीके से कुप्पला फर्नेस काम करती है, क्या उसका कंस्ट्रक्शन है, क्या उसकी स्पेशलिटी है। क्लियर? फिर जिस दिन कॉलेज चालू होगा तो इंडस्ट्रियल विजिट करने जाएंगे, वहाँ पे मैं आपको ये कुप्पला फर्नेस क्या करूँगा, एक्चुअल में दिखेंगे किस तरीके से काम होता है वो। क्लियर? तो यहाँ तक रखते हैं आज के लेक्चर में, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जो भी बोला गया उसको नोट डाउन कर लीजिए और फिगर है उसको खास प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू। और बाकी रहा कंस्ट्रक्शन कुप्पला फर्नेस का, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कल के लेक्चर में। तो कल का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो उसको खास देखिए। ठीक है, सीरीज है लेक्चर की, उसको आपको मिस नहीं करना है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में।